वेलकम टू करियर डेस्ट एकेडमी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्रा सिक्के विवरण ज्ञान, कौन से राजा से संबंधित सिक्का है या किस राजा के समय कौन सा सिक्का प्रचलित रहा है, और इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में भी जानेंगे। यानी इसमें दो टॉपिक हमने कवर किए हैं छोटे छोटे, और ये इतिहास सामान्य ज्ञान जीके के लिए इम्पोर्टेंट है, जीके आल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ एवं एमसीक्यू प्रैक्टिस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए शुरू करते हैं मुद्रा सिक्के विवरण ज्ञान। सिक्का विवरण और संबंधित शासक कौन सा था? सबसे पहले हम देखते हैं जहाज के चित्र युक्त सिक्के यज्ञ श्री सातकर्णी के समय ये प्रचलित थे। धर्म चक्र युक्त कांस मुद्रा ये मिनांडर के समय प्रचलित थे, और भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के बिंब कडफिसिस के समय प्रचलित हुए। शिव स्कंद विष्णु आकृति युक्त सिक्के हुबिक्स के, हुबिक्स, ये हुबिक्स नाम ही हुबिक्स है, ये शासक हुआ है, और शिव स्कंद विष्णु आकृति के युक्त सिक्के हुबिक्स के समय प्रचलन में आए थे। बीड़ा बजाती हुई चित्रित राजा के सिक्के समुद्रगुप्त के समय प्रचलन में रहे हैं। मयूर आकृति युक्त सिक्के कुमार गुप्त के समय हुए हैं। बैल आकृति सैप सिक्के स्कंद गुप्त के समय प्रचलन में थे। मयूर पर सवार कार्तिकेय स्कंद सिक्के ये कुमार गुप्त प्रथम के समय प्रचलन में आए थे। मयूर पर सवार कार्तिकेय स्कंद सिक्के। कालिया व लक्ष्मी अंकित सिक्के मोहम्मद गौरी के समय प्रचलन में आए थे। टकसाल अंकित सिक्के इल्तुतमिश के समय ये प्रचलन में आए थे, राजा इल्तुतमिश। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के ये अकबर के समय प्रचलन में आए थे। राम व सीता के अंकित सिक्के ये भी अकबर के समय प्रचलन में आए थे। बाज व तिथि अंकित स्वर्ण सिक्के तो ये भी अकबर के समय प्रचलन में आए थे। तो दोस्तों, हमने ये मुद्रा सिक्के से विवरण ज्ञान से संबंधित हमने देखा, और इम्पोर्टेंट ये हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये हमने फैक्ट के रूप में आपको बताए हैं। आना अंकित सिक्के ये शाहजहाँ के समय प्रचलन में हुए हैं, और हाथ में शराब अंकित सिक्के ये जहांगीर के समय प्रचलन में आए हैं। हिंदू देवी देवता व हिंदू संबद्ध अंकित सिक्के टीपू सुल्तान के समय प्रचलन में आए थे। अब हम बात करेंगे प्रमुख अभिलेख व शासक अभिलेख। वैसे हमने पुरातत्विक अभिलेख के बारे में अलग वीडियो बनाया है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल के समय का है। ये यहाँ से हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। जूना अभिलेख रुद्र धवन के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान दें, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंद गुप्त के बारे में, ये भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त के राजा के बारे में जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। वहीं बात करेंगे देवपाड़ा अभिलेख, ये देवपाड़ा अभिलेख है बंगाल शासक विजय सेन के समय की बार जानकारी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। भारत वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। दोस्तों, जो सबसे पहले हमने देखा था वह भारत वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दें, शेयर कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, और इसके पीडीएफ डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी, तो आप वहां से कर लें, नहीं तो मिल जाएगी आपको कुछ समय बाद। तो और वैसे आपको ये सारे की जो पीडीएफ है हमारी, वो सारी एक हमने वेबसाइट बनाई है पीडीएफ डाउनलोड डॉट लगेगा फिर career-academy.com, इस पर जाएंगे। वो अभी उसमें क्या है कि ये जो वेबसाइट है अभी इस काम चल रहा है इस पर, तो मिल जाएंगे वहाँ पर सारे के सारे मिल जाएंगे। जो भी हमारे वीडियो हो गए करियर टेस्ट करिए वो वहाँ पे मिल जाया करेंगे। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।